हेलो एवरीवन, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। YCMOU यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ की जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है उसके पासिंग मार्क्स कितने हैं, कितने मार्क्स के लिए पासिंग है, इसके बारे में टोटल जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। और यदि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को फ्री में सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऑनलाइन एग्जाम के बारे में, यशवंतराव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में लेटेस्ट जानकारी आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फ्री में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए कितने मार्क्स की पासिंग है और कितने मार्क्स की एग्ज़ाम है देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है यशवंतराव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी के जो पुराना सिलेबस था, पुराने सिलेबस में आपके एग्ज़ाम 80 मार्क्स की होती थी और प्लस 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के थे, ऐसे 100 आपके मार्क्स बनते थे। और पासिंग 40 मार्क्स की थी, 40 मार्क्स आपको पासिंग के लिए चाहिए थे। 40 मार्क्स कैसे चाहिए थे? तो 80 में से आपको 32 मार्क्स चाहिए थे और 20 में से आपको 8 मार्क्स चाहिए थे। 32 प्लस 8 40 बनती थी और आपको 40 मार्क्स ही पासिंग के लिए चाहिए थे। लेकिन अब है ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम में 60 मार्क्स की एग्ज़ाम है। तो चलिए देखते हैं कितने मार्क्स की पासिंग है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम 60 मार्क्स की हो रही है और आपका प्रैक्टिकल है 20 मार्क्स का, ऐसे आपके टोटल 80 मार्क्स के एग्ज़ाम है। लेकिन पुरानी एग्ज़ाम 100 मार्क्स की होती थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सपोज 60 मार्क्स में से आपको 24 मार्क्स मिल गए तो 24 मार्क्स को आपको 80 में कन्वर्ट करना है। यदि 24 मार्क्स को 80 में कन्वर्ट करते हैं तो 32 बनते हैं। 80 में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि आपकी पुरानी थ्योरी की एग्ज़ाम 80 मार्क्स की होती थी, इसलिए 80 में कन्वर्ट करना है। 24 को 80 में कन्वर्ट करने के बाद बन जाता है 32। और 32 बनने के बाद सपोज़ आपको प्रैक्टिकल के 20 में से 10 मार्क मिल गए, आपके बन जाते हैं 42 मार्क्स। और 42 मिले तो 40 मार्क्स की आपकी पासिंग बनती है और 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इस तरह से आपकी पासिंग बन जाती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।